दोस्तों दांत हमारी पर्सनैलिटी का बड़ा हिस्सा है। दोस्तों खिलखिलाते चेहरे में दांतों का चमकना हमें और भी सुंदर बना देता है, लेकिन दांत खराब होने पर व्यक्ति बदसूरत सा भी लगने लगता है। दांतों के कई रोग ऐसे होते हैं कि उनमें दर्द इतना भयानक होता है, ना ही व्यक्ति कुछ खा पाता है और ना ही सो पाता है। बहुत ही मुश्किल से हमें गुजरना पड़ता है। दोस्तों बच्चे हो या बुजुर्ग, दांतों में कीड़ा लगने की समस्या कॉमन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिम्मी के मैजिक में। दोस्तों जिंदगी को सरल बना लूं मिम्मी के मैजिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आज मैं बता रही हूँ घरेलू उपाय, जिसका इस्तेमाल आप अपने दांतों पर करेंगे तो आपके दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा और दर्द भी नहीं होगा। दोस्तों बहुत ही शानदार घरेलू उपाय है जिसका इस्तेमाल करने से आपके दांतों में बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं। ये आसानी से सभी के घरों में मिल जाता है। दोस्तों एक चम्मच सरसों का तेल एक कटोरी में ले लेंगे। दोस्तों सरसों के तेल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मारते हैं। दोस्तों सरसों के तेल से मसूड़ों में मजबूती मिलती है और प्लेक को हटाता है। दोस्तों सरसों के तेल से दांतों का पीलापन कम होता है और साथ ही साथ मसूड़ों से खून आने की समस्या कम हो जाती है। दोस्तों सरसों के तेल से मुंह का पीएच संतुलित होता है। दोस्तों इस तेल से कैविटी में भी बहुत आराम मिलता है। दोस्तों दूसरी चीज हमें चाहिए फिटकरी, यह आसानी से हमारे घर पर मिल जाती है। दोस्तों दांतों के लिए फिटकरी के कई फायदे हैं। दोस्तों फिटकरी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया को इकट्ठा होने से रोकते हैं। फिटकरी से दांतों की सड़न रुकती है, मसूड़ों से खून आने की समस्या कम होती है। दोस्तों फिटकरी से दांतों का दर्द भी एकदम से खत्म हो जाता है। दोस्तों फिटकरी के इस्तेमाल से मुंह के चालों में आराम मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों अगर मुंह की अच्छे से सफाई नहीं होती है, यानी ओरल हाइजीन पुअर है, तो बहुत जल्दी दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। दोस्तों ओरल हाइजीन का मतलब है अच्छे से प्रॉपर तरीके से दांतों पर ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, रेगुलर फ्लॉस करना। दोस्तों अगर हम अपने दांतों पर अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों पर चिपका हुआ खाना साफ नहीं होता है, जिसके कारण हमें दांतों में कैविटी हो जाती है। दोस्तों कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जैसे कि ब्रेड, अनाज, दूध, पेप्सी, केक, चॉकलेट। अगर आप इन सभी को अपनी डाइट में ज्यादा शामिल कर लेते हैं तो दांतों में कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को एसिड में बदल देते हैं, फिर ये लार के साथ मिलकर प्लाक, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो दांतों में चिपक जाता है। दोस्तों अगर समय रहते इनको साफ नहीं किया जाता है तो ये दांतों के एनामल को नष्ट करके कैविटी पैदा कर देता है। दोस्तों कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों इसकी कमी दांतों में हो जाए तो यह दांतों को वीक कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, यानी कैविटी होती है। दोस्तों जिसकी वजह से हमें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब हमें चाहिए लौंग, ये लौंग हमारी किचन में हर समय उपलब्ध होती है, बस इनमें से ही 8-10 लौंग ले लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें लौंग फूल वाली ही लेनी चाहिए। दोस्तों लौंग से दांतों को कई तरह के फायदे होते हैं। दोस्तों लौंग में यूजुनॉन नाम का एनेस्थेटिक होता है जो दांतों के दर्द को कम करता है। लौंग एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है और संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है। लौंग से दांतों की सड़न से लड़ने में मदद मिलती है। दोस्तों लौंग का इस्तेमाल करने से मसूड़ों की सूजन कम हो जाती है। दोस्तों इन लौंग को कलपत्ते में डालकर अच्छे से कूट लेंगे, यानी कि इसका पाउडर बना लेंगे कुछ इस तरीके से, एकदम से महीन जैसे मैंने बनाया है। दोस्तों पाउडर बनने के बाद में इस लौंग के पाउडर को आप अपने कीड़े वाले दांत पर रखेंगे तो कुछ समय के बाद में आपके दांत से कीड़ा निकल जाएगा और दर्द में भी बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों अब हम बनाएंगे फिटकरी का पाउडर। दोस्तों आप हमारा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। इस तरीके से कलपत्ते में डालकर इसका पाउडर बना लेना है और हमने कटोरी में सरसों का तेल लिया था, उसमें इस पाउडर को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक ब्रश। दोस्तों ब्रश से इस पेस्ट को अपने दांतों पर लगा लेंगे जहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है। अगर आप अपने पूरे दांतों पर भी लगाएंगे तो यह नुकसान नहीं करेगा, इससे आपके दांतों का कीड़ा निकल जाएगा और आपके दांतों में दर्द से बहुत निजात मिलेगी। दोस्तों अगर आप ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से एक कॉटन ले लें और कॉटन में इस पेस्ट को लगाकर अपने कीड़े वाले दांत पर रख लें और इसको आधे से एक घंटे के लिए रखा रहने दें। दोस्तों इस नुस्खे से आपके दांतों में बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।